नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज 584 BSE के अंक गिरकर बंद हुई है मार्केट। कुछ तो ग्लोबल मार्केट के बेहद कमजोर संकेत आ रहे थे और कुछ अमेरिकन मंदी का भी असर तो पड़ता ही है, क्योंकि बॉन्ड की कीमत वहां पे थोड़ी बढ़ गई है, फिर यील्ड की कीमत बढ़ गई है। लेकिन हम इसको सिर्फ दो कारण ही लेंगे इसके। एक तो इसमें अब हम कुरेक्शन मान के चलेंगे, दूसरा इस बार क्वार्टर वन के रिजल्ट भी उतने अच्छे नहीं आ रहे जितने उम्मीद थी। चाहे वो सोलर कंपनियां हैं, चाहे कोई और हैं, वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे जिनकी एक्सपेक्टेशन थी। तो ये रीजन है, करेक्शन है, कोई बात नहीं है। मार्केट तो ऊपर नीचे होती रहेगी, यह भी जरूर है, कोई ना कोई कारण भी होगा ही। लेकिन आप इसको केवल करेक्शन मानिए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर को आराम से कुछ फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स की ओर ध्यान देना चाहिए, जो वो पहले नहीं खरीद सकते थे, महंगे थे दाम, अब वो खरीद सकते हैं। आज हम दो डिफरेंट सेक्टर के शेयर्स लेकर आए हैं आपके लिए। पहला शेयर हमने पावर और इस्पात सेक्टर की कंपनी का लिया है, जीरो डेट कंपनी है। कंपनी पे इतनी पावर सेक्टर की और इस्पात सेक्टर की कंपनी, कमोडिटी सेक्टर की कंपनी और उस पे डेट ना हो तो ये अच्छी बात है। क्वार्टर वन FY 25 के अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, 5:1 की रेशो में स्प्लिट भी करने जा रहे हैं, यानी कि 1:5 हो जाएंगे। 3 साल में 200% का रिटर्न दिया है, बहुत अच्छा रिटर्न है। दूसरा शेयर हमने IT कंपनी का लिया है, जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है और कर्ज मुक्त है। क्वार्टर वन में 590% की जंप आई है पिछले कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड से, तो इसको भी आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। इससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम बात करेंगे गोदावरी पावर एंड इस्पात शेयर की, कंपनी के शेयर की, गोदावरी पावर एंड इस्पात। मुख्य रूप से लो आयरन ओर के खनन और लो आवश्यक शरों, स्पंज आयरन, स्टील विलेट्स, वायर राड्स, HV वायर और मिश्र धातुओं के भी निर्माण के साथ साथ बिजली उत्पादन के व्यवसाय में लगी हुई कंपनी है। कंपनी के पास 2 कैप्टिव माइंस भी हैं, अरी डोंगरी माइंस 2.35 मिलियन MTPA है उसका, और बोरिया टिम्बू माइन है जो 0.7 मिलियन MTPA है। 35 साल की इनकी लाइफलाइन है। कंपनी 85% आयरन ओर की जरूरतें हैं जो अपने इससे ही पूरी करती हैं, अपने कैप्टिव माइन से भी करती हैं, और कच्चे माल में इससे इसको भारी बचत हो जाती है, सस्ता पड़ता है इसको। कंपनी की 3 सहायक कंपनियां हैं, 1 सहयोगी और 3 ज्वाइंट वेंचर हैं। कंपनी के विनिर्माण संयंत्र छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक में हैं। अगस्त 23 में छत्तीसगढ़ के महासमुंद में 8 मेगावाट बायोमास पावर प्लांट में आग लग गई थी, जिससे कंपनी को काफी नुकसान हुआ और उसका असर काफी देर तक रहा। लेकिन प्लांट 24 मार्च के बाद चालू हो गया है, संचालन शुरू कर दिया है, लेकिन फुल कैपेसिटी पे अभी इस क्वार्टर में आएगा। आयरन ओर की सभी कंपनियों को मई 22 के में अच्छा झटका लगा था, क्योंकि आयरन ओर पर निर्यात शुल्क लगा दिया गया था, तो इससे इसको भी कंपनी को झटका लगा था 22 में। मार्केट कैप 15,285 करोड़ है, कीमत 1,120 रुपये है, 52 वीक हाई एंड लो 1,224 रुपये और 551 रुपये है। स्टॉक PE 15 है, डिविडेंड 0.44% का देती है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छी है
29.70%, रिटर्न ऑन इक्विटी 22.30% है। यानी कि इक्विटी पर रिटर्न है जो वो 22.30% है और जो कैपिटल पर रिटर्न है वो 29.70% है, काफ़ी अच्छे है। फेस वैल्यू 5 रुपये है, कंपनी पे किसी तरह का कोई कर्जा नहीं है। ट्रैक रिकॉर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी का बहुत अच्छा रहा है, 3 साल का 29.90% रहा है। वो बीच में एक झटका लग गया ना 22 में, तो उसके बाद थोड़ा बिक्री 5 वर्ष में 10.60% की खराब वृद्धि है, इसकी सेल थोड़ी ज़्यादा नहीं बढ़ी है इसकी। JSW और टाटा स्टील इसके पीयर कंपनीज हैं। कंपनी ने जून क्वार्टर के रिजल्ट्स दिए हैं, इसको हम कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड से कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो जून 23 के अंदर 1326 करोड़ थी और जून 24 के अंदर 1342 करोड़ थी, थोड़ी ही बड़ी है लेकिन अच्छा है। फिर भी OPM 23% से सीधा 30% हो गया, ये बहुत बड़ी बात है, ये बढ़ना ही हो गया। नेट प्रॉफिट 231 करोड़ से 287 करोड़ हो गया, तो रिजल्ट्स तो अच्छे ही कहे जाएंगे, अच्छे हैं रिजल्ट्स, नेट प्रॉफिट में अच्छी इंक्रीज है। शेयर कैपिटल 62 करोड़ है केवल, रिजर्व है जो 4434 करोड़ के हैं, 62 करोड़ की इक्विटी पे 4434 करोड़ के रिजर्व है और बोरिंग 52 करोड़ है, जिसको आप इग्नोर कीजिए क्योंकि इसके पास 430 करोड़ का तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट IP ही है। इन्वेस्टमेंट भी है 222 करोड़ की, तो बहुत अच्छी सॉलिड बैलेंस शीट कही जाएगी। प्रमोटर्स के पास 63.26% की इक्विटी है, काफ़ी अच्छी भागीदारी रखती है कंपनी। FII 7.50%, DII 1.96%, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स की भी अच्छी खासी आप इक्विटी कह सकते हैं, ये उनका कॉन्फिडेंस जताता है इस कंपनी की बैलेंस शीट में। फंडामेंटल्स मजबूत हैं, दाम 1120 रुपये हैं, PE 16 है, सेक्टर PE 20 है, सेक्टर पी से सस्ता ही है, कोई महंगा नहीं है शेयर। योजनाबद्ध ढंग से विस्तार चल रहा है, 12 महीने में आयरन ओर प्रोडक्शन डबल 2028 तक 15000 करोड़ तक का रेवेन्यू बढ़ाने की कंपनी की योजना है। अच्छी अग्रेसिव इसकी कमेंट्री है। GPIL को 5 भागों में विभाजित किया जाना है, 5-1 की स्प्लिट होगी, 1 के बदले 5 बन जाएंगे शेयर। शेयर के दाम आकार सप्लिट के बाद 260 रुपये तक रह सकते हैं, ऐसा बाजार के जानकार बोल रहे हैं। KP सिक्योरिटीज ने शेयर के दाम 1230 रुपये बताए हैं, 1 वर्ष में 100%, 3 वर्ष में 200%, 5 साल में 2787% का रिटर्न है, बहुत अच्छे रिटर्न दिए है कंपनी ने। एक ही विश्लेषक कवर करता है, स्ट्रॉन्ग बाई कहता है वो, और बेचे का 0 विश्लेषक है। हमारी टीम का अनुमान है शेयर 3 वर्ष में 2300 रुपये तक पहुँच सकता है। स्टील सेक्टर कमोडिटी सेक्टर का शेयर, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव राष्ट्रीय पॉलिसीज का असर रहता है, ग्रोथ स्टेडी रह सकती है लेकिन डेफिनेट रहेगी, रिस्क कम है। तो दोस्तों दूसरा शेयर हमने जो लिया है वह है, बहुत ही शानदार रिजल्ट्स पेश किए हैं, बात करेंगे हम जेटकिंग इन्फ्रोटेन लिमिटेड, जेटकिंग इन्फ्रोटेन लिमिटेड के शेयर पर। जेटकिंग इन्फ्रोटेन लिमिटेड एक भारतीय कंप्यूटर नेटवर्किंग संस्थान है जो तकनीकी और गैर तकनीकी छात्रों को प्रशिक्षित करता है। जेटकिंग क्लाउड कंप्यूटिंग साइबर सुरक्षा जैसे पाठ्यक्रम भी प्रस्तुत करता है। गेमिंग और मेटावर्क्स डिजाइन ब्लॉकचेन और तकनीकी सहायता इंजीनियरिंग जो IT उद्योग के क्षेत्र में छात्रों की शिक्षा को बढ़ावा देता है। जेटकिंग एमोट्रेन एक अग्रणी IT शिक्षा प्रदाता है जिसके भारत में 11,000 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र है। इसके हार्डवेयर नेटवर्किंग और डिजिटल तकनीकों में 1.1 मिलियन से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित किया है। यह संस्थान स्नातकों को 12,000 से अधिक भर्तियों को जोड़ता है जिसमें नौकरी के अवसर बढ़ते हैं।
मार्केट कैप केवल 48 करोड़ है, माइक्रो कैप कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है, रिस्क 100% रहता है ऐसी कंपनियों में, फिर भी प्रॉफिट भी बहुत हो जाता है। कीमत 81 रुपये है आज की, 52 बिक हाई एंड लो 85 रुपये और 42 रुपये है, स्टॉक पी 13 है और बुक वैल्यू 66 रुपये है, फेस वैल्यू 10 रुपये है, बुक वैल्यू 66 रुपये है, 81 के दाम है। कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, डेटर डेज 44 दिन से 25 दिन हो गए हैं, अच्छा इसको बेनिफिट मिलेगा। पिछले 3 वर्षों में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, इसने रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम दिया है पिछले 3 से। NIIT 36 की पी पर, एपटेक 44 की पी पर मिल रहे हैं, इसकी पीयर कंपनीज है। कंपनी ने FY क्वार्टर के नतीजे, FY 25 के क्वार्टर वन के नतीजे पेश कर दिए हैं, इसको हम जून 23 और जून 24 के कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो 4.76 करोड़ से बढ़कर 4.85 करोड़ हुई है, ज़्यादा नहीं बढ़ी। OPM है जो वो -21.43% था, अब भी -13.81% है। नेट प्रॉफिट है जो लॉस था 1 करोड़ 1 लाख का, अब 3 करोड़ 11 लाख का प्रॉफिट है। कंपनी को अदर इनकम होती है, उसी से यह है, मतलब प्रॉफिट में रहती है, अदरवाइज परिचालन में तो इसको लॉस ही होता है। FY 24 में नेट प्रॉफिट 3.61 करोड़ था और स्टॉक शेयर कैपिटल 5.91 करोड़ है, अदर इनकम उसमें भी 8.67 करोड़ थी, तो अदर इनकम भी इसका पार्ट है, कोई अलग से नहीं आती। रिजर्व है जो 33.46 करोड़ है, 1.48 करोड़ की इसकी बोरिंग है, इन्वेस्टमेंट भी 8.24 करोड़ की, तो बहुत अच्छी बैलेंस शीट है, छोटी बैलेंस शीट है, इसको अच्छा भी क्या कहेंगे, इतनी को तो अच्छा जा बुरा कहना गलत हो जाएगा। प्रमोटर जो 50.38% है, DII 1.37% के हैं, घरेलू वित्तीय संस्थानों ने भी इसमें एंट्री ले रखी है। पब्लिक के पास 48.24% शेयर हैं। सेक्टर पी 37 है, उससे तो बहुत नीचे मिल रहा है। जेटकिंग इन्फो के लिए आउटलुक पॉजिटिव है, जेटकिंग लगातार आगे बढ़ने वाली कंपनी है, 1 महीने में 39%, 1 वर्ष में 55% का रिटर्न दिया है, 2% की सेल ग्रोथ और पैट में 590% की वृद्धि है। कंपनी की लिक्विडिटी में कोई कमी नहीं है, करंट रेशो है जो वो भी काफ़ी अच्छी है, 1.29 है और डेट फ्री कंपनी है, और क्या चाहिए। इस शेयर पर नज़र बना के रखनी चाहिए, थोड़े बहुत शेयर आप इसमें थोड़े बहुत पैसे लगा भी सकते हैं अपने स्वयं से जांच करके। तो दोस्तों आप हमारे वीडियोस समय निकाल कर देखते हैं और इसके लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।